अब बात करेंगे कि गुजरात में पुल हादसे के बाद एक्शन में सीएम योगी हैं। सीएम योगी ने सभी पुलों का ब्यौरा मांगा है, प्रमाण पत्र सहित पुलों की रिपोर्ट तलब की गई है, जहां मुख्यमंत्री ने सुरक्षा संबंधित मानकों का ब्यौरा मांगा है। सेतु निगम के एमडी से ये रिपोर्ट तलब की गई है। जितने पुल हैं उनका डिटेल, उनकी डिटेल में वो सभी मानक होंगे जिसकी जानकारी होनी चाहिए, इसे पेश करना होगा सीएम को। सेतु निगम के एमडी से यह रिपोर्ट तलब की गई है। तो एक्शन में सीएम योगी, सभी पुलों का ब्यौरा मांगा जा चुका है, प्रमाण पत्र सहित, यानी कब बने हैं, मरम्मत कब हुई, क्या क्षमता है, कितनी भीड़ है, ये तमाम फैक्टर्स होंगे जो स्टैंडर्ड हैं, जो मानक हैं, उन मानक के आधार पर रिपोर्ट तैयार करके सीएम को भेजनी होगी, सेतु निगम के एमडी को। तो जिस तरीके का हादसा, दुखद हादसा पेश आया गुजरात के मोरबी में, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एहतियातन ये रिपोर्ट तलब की है सेतु निगम के एमडी से कि जरा पता लगाइए कि उत्तर प्रदेश जैसे इतनी घनी आबादी वाले सूबे में जितने सेतु पुल हैं वो कितने पुराने हैं, कब मरम्मत हुई, उनकी मरम्मत कौन कर रहा है। ऐसे कई सवालों से बना हुआ एक रिपोर्ट पेश करना पड़ेगा सेतु निगम के एमडी को, और बड़े सख्त लहजे में यह मांगा गया है, इंजीनियरों को प्रमाण पत्र पर यह सत्यापित करके देना होगा कि यूपी में कोई जर्जर दुर्घटना के लिए ऐसा ब्रिज नहीं है, पुल नहीं है, प्रमाण पत्र के साथ ब्रिजों की सुरक्षा संबंधित सूचना का ब्यौरा देना होगा। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का और उनसे जानकारी लेते हैं। विवेक, वैसे देखा जाए हम लोग भी जब यूपी में ट्रेवल करते हैं तो कहीं ना कहीं एकाद ऐसा पुल मिल जाता है जिस पर बोर्ड लगा रहता है कि पुल की हालत ठीक नहीं है, भारी वाहन के साथ प्रवेश ना करें, लेकिन उसके आसपास कोई दिखाई नहीं देता है। ग्राउंड पर कैसे ऐसे पुल की रिपोर्ट है, कुछ इंटरनल रिपोर्ट है अपने पास? आपने बात कही, हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, मैं कानपुर का रहने वाला हूं, कानपुर जाता हूं और वहां जाजमऊ पुल, जाजमऊ यानी जाजमऊ इलाका है, वहां जो पुल बना है उसको जाजमऊ पुल कहते हैं। जब खड़ी होती है गाड़ी तो पुल हिलता है, ऐसे ऐसे बहुत पुराना और जर्जर पुल है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है तमाम जगह से। ऐसी है यूपी के पुलों की स्थिति और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यही वजह है जब गुजरात में हादसा हुआ तब यहाँ अफसरों की नींद टूटी और उन्होंने आदेश जारी किया। कल सुबह आदेश जारी हुआ कि शाम को 4 बजे तक सभी पुलों का सत्यापन करके रिपोर्ट भेजें। ईमेल नंबर एक उसमें दिया गया, उसमें कहा गया कि सभी जो क्षेत्रीय मुख्य अभियंता हैं पीडब्ल्यूडी के और एमडी, उनको भी संबोधित था वो पत्र। कहा गया कि शाम को 4 बजे तक इस ईमेल पर सारे पुल, यानी जो बने हुए हैं, जो बन रहे हैं, रोप वे और दूसरा तार वाले पुल, जैसे ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और राम झूला, उस तरह के पुल जो यूपी में हैं, उनके बारे में 4 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई और आनन फानन में सर्वे करके, पूरा निरीक्षण करके, जांच करके 4 बजे तक बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट दे भी दी। अब ये रिपोर्ट कैसी होगी इसको समझेंगे, पीडब्ल्यूडी मंत्री से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे कि कौन सी रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट आ गई है। साथ ही सारी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की, और कहा है कि युद्ध स्तर पर जहां पर भी गड़बड़ी पाई जाती है वहां पर जाके तुरंत मरम्मत का काम सुनिश्चित कराएं। तो ये नींद टूटी है उसके बाद, चूंकि मुख्यमंत्री ने इस हादसे को बहुत गंभीरता से लिया था और उन्होंने तुरंत बैठक करके, जब गुजरात में हादसा हुआ, लोगों की मौत हुई और हाहाकार मचा, यहां पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में हाहाकार मचा। ये आपसे समझना चाहूंगी कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो जो अंडर आता है वो तो सारे पुल के ब्यौरे दे दिए जाएंगे, लेकिन वो पुल किसके अंडर आते हैं जो अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए हैं? मुझे ध्यान है हरिद्वार जाते वक्त गंग नहर वाले रास्ते से जाइए तो अंग्रेजों के जमाने का एक बोर्ड लगा रहता है जिसमें लिखा रहता है कि उस समय का है, ये जर्जर है, इस पर ट्रैवल ना करें। लेकिन सिर्फ इस बोर्ड के हवाले अगर उस पर कुछ दुर्घटना होती है तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी और ऐसे पुल के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए स्नेहलता, बहुत सारे पुल ऐसे होते हैं जो रेलवे खुद बनवाता है, यानी अगर ट्रेन की पटरियों के ऊपर है तो कुछ हिस्सा, यानी ऊपर का हिस्सा, पुल तो पूरा पीडब्ल्यूडी बनाएगी, लोक निर्माण विभाग का ही काम है, लेकिन जो पटरियों के ऊपर का हिस्सा है वो रेलवे बनाती है, आरओबी जिनको कहा जाता है, रेलवे ओवरब्रिज, वो रेलवे बनाती है और उसके देखरेख और संरक्षण का काम भी रेलवे का ही होता है। तो एक कोऑर्डिनेशन की बात है, रेलवे की भी जिम्मेदारी है, पीडब्ल्यूडी की भी जिम्मेदारी है, ये कोऑर्डिनेशन से काम होगा। ऐसे बहुत सारे पुल जो अबेंडेंड है, बंद कर दिए गए हैं, जिस तरह का पुल आप जिक्र कर रही हैं, उस तरह के तमाम ऐसे पुल मैं भी देखता हूँ ट्रैवल करते हुए, वो बंद कर दिए गए हैं, वहाँ पर यातायात नहीं होता है, मतलब लोगों का आवागमन उन पुलों से नहीं होता है। इसके बावजूद
जो आपने बात उठाई वो भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ऐसे पुलों पर अगर आवागमन बंद है तो उनको नष्ट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए और उस जगह पर कुछ और किसी और इस्तेमाल के लिए कुछ बंद नहीं है। आपने देखा होगा कि नीचे से बिल्कुल बहुत अच्छी बात और अच्छा मुद्दा उठाया है आपने, क्योंकि ये भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जो आपने बात उठाई उसमें बिल्कुल विवेक और एबीपी गंगा भी यही अपील करता है, ऐसे पुल पे आम लोग अपने सफर ना करें, लेकिन जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है किसी बड़े अनहोनी का इंतजार ना होकर के उस पर एक्शन होना चाहिए। विवेक, जिस तरीके की डेवलपमेंट होगी, जिस तरीके की हलचल होगी, हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से वो जानकारी मिलेगी। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी विवेक बता रहे थे कि सुबह 4 बजे तक ही कई जगहों से रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। ये हाल है पुल को लेकर के तमाम रिपोर्ट्स का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।